शनिवार को पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावन कुए ने पत्रकारों से बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने ग्रामीण परिसरों में बढ़ रहा कोरोना संक्रमण के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ग्रामीण परिसर में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। नागपुर जिले में दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, ग्रामीण भागों में भी स्थिति और भयावह होती जा रही है। इसी बीच शुक्रवार को पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावन कुए ने ग्रामीण भागों का दौरा किया, जिसके बाद शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते दरमियान उन्होंने ग्रामीण परिसर की पूरी स्थिति की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण इलाकों में भले ही आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहे हैं, लेकिन उसके रिपोर्ट्स 4 से 5 दिन बाद आ रहे हैं, जिससे कोरोना का संक्रमण ग्रामीण भागों में बढ़ रहा है। वहीं जो सुपर स्प्रेडर है उनकी टेस्ट नहीं हो रहे हैं, जिससे संक्रमण और बढ़ सकता है। हेल्थ की पूरी व्यवस्थाएं दिखती नहीं है। कल मैं ग्रामीण का दौरा करने के बाद ऐसा लगा कि आरटीपीसीआर जो सेंटर्स है वो केवल टेस्ट कर रहे, उसका रिपोर्ट करने के लिए उनको मेयर मेडिकल हॉस्पिटल या शहर के हॉस्पिटल में भेजना पड़ता है। और कल मैंने देखा कि 4 दिन 5 दिन आरटीपीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट आने को लिए टाइम लग रहा है। आरटीपीसीआर टेस्ट होने के बाद जो वहाँ का जिसकी टेस्ट की गई उसको कोई आइसोलेशन नहीं है, उसको कोई हेल्थ वर्कर को जोड़ा नहीं गया है, वो सीधा सुपर स्प्रेडर करके घूम रहा है। 4-5 दिन बाद जब उसका रिपोर्ट आता है तब तक उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है, और बाद में जो आज लोड बढ़ रहा है बेड का, वेंटिलेटर का और ऑक्सीजन लेवल के बेड का, इसका यही कारण है कि आप आरटीपीसीआर टेस्ट को 12 घंटे में 8 घंटे में लोगों को नहीं दे पा रहे। दूसरा कारण है कि सुपर स्प्रेडर जो है वो सुपर स्प्रेडर सब्जी वाले, पांटेले वाले, हाटेले वाले, चाय वाले, इनका सुमोटो टेस्टिंग नहीं हो रहा है। जो बड़ी बड़ी फैमिली है 15-16-18-18 घरों की, उनका भी सुमोटो कोई भी आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं हो रहा है, एंटीजन टेस्ट नहीं हो रहा है। तीसरा कारण है कि हमारे ग्रामीण अंचलों के डॉक्टर्स है वो जब उनके पास पेशेंट जाता है तो विदाउट उसका कोई भी टेस्ट किया बगैर, ना एंटीजन टेस्ट ना आरटीपीसीआर टेस्ट, उनको 5-6 दिन की दवाई दे देते हैं और उसके बाद वो पेशेंट कोरोना का होता है तो वो संक्रमित इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको ऑक्सीजन 90 के नीचे आ जाता है, बाद में वो दौड़ भाग करता है। इस दौरान बावन कुए ने कहा कि अधिकारी ग्रामीण भागों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कोई भी ग्रामीण के लोगों से मिलने के लिए तैयार नहीं है और आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के चलते संकट आने के आसार दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।